कितना सपोर्ट, कितना प्यार आपको मिलता है आपकी फैमिली से, सोसाइटी से, इस प्रोफेशन के लिए? सो जब मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले तो मैं आज अगर मैं 0.1 भी कुछ हूँ तो इसका पूरा मैं श्रेय देती हूँ अपने फादर को। मेवाड़ी, उदयपुर, राजस्थान, इसका जो कल्चर है ना, एक्चुअली इनका एक टीम बना हुआ है इन्फ्लुएंसर का। इन्होंने अलग अलग लोकेशन से लोगों को सेलेक्ट कर रखा है कि ऐसे शाहरुख भी मेरा बहुत फेवरेट है एंड सलमान इज ऑल्सो माई फेवरेट, क्योंकि मैं इन लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। मदर एक बहुत पुरानी मूवी देख रही थी जिसकी शायद जो कैसेट्स थी वो भी काफी बीच में, उसमें डिस्टर्बेंसेस थे। वो जो शो है उसके पीछे आप सोचो कितने लोग हैं, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते। नहीं, प्यार हो गया और उस सेट से, वहाँ की वाइब से। मैं आपको सच बात बताऊं, अगर दिल से मैं बताऊं तो आज भी जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि आज ये मेरा फर्स्ट शो ही है। उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी, और मैंने अभी झील की बात की थी, फतेह सागर झील। चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। With this, I would like to welcome you all to my channel, Conversation with Supriya. And before we begin, let me thank you all my viewers for watching us. And a small request to all the guest viewers to please subscribe our channel. The guest of our today's show is Ms. Pratiksha Dave, better known as Mewar Ki Anchor Bitiya. She started her journey 15 years ago, and today she stands as a powerful and a very strong influencer, better known for her Desi Tadka. So let us start this journey. Welcome to the show, ma'am. Yes. कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया हूँ। और हमारे मेवाड़ में मतलब कुछ भी शुरुआत करने से पहले खम्मा गणिसा से शुरुआत करते हैं, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। खम्मा घड़ी, आई होप रिप्लाई भी यही किया जाता है, घड़ी खम्मा सा। अच्छा तो आप मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लीजिएगा वो 100%। ओके, सो लाइक वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। या लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगी यहाँ पे, अगर कभी इस युग में एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होता है जिसमें उदयपुर सिटी के नाम का जाप किया जाए, तो आपको पता है विनर कौन होंगी? प्रतीक्षा दवे। नहीं, मतलब आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू योर वीडियो, एक किसी न्यूज चैनल में आपने लाइक कोई न्यूज चैनल था आप में, उसका आप में लाइक इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें आपने इतनी बार उदयपुर का नाम और फतेह सागर का नाम लिया, तो मुझे ये लगा दिल से Yes. कभी अगर कंपटीशन होगा ना, विनर तो आप होंगे। विनर तो मेरा उदयपुर है, और मैं उदयपुर की एक योद्धा समझ लो जो उदयपुर के लिए वर्क कर रही हूँ, इसलिए मुझे उदयपुर से बहुत ज्यादा प्यार है। और उदयपुर का दिल है फतेह सागर, मुझे वहां की उस वाइब से भी बहुत प्यार है, तो मेरा शहर मुझे बहुत प्यारा है। तो वो एक ऐसा क्या एलिमेंट है, लाइक यू हैव कोटेड नो, आपने कई बार बोला है कि मुझे बहुत सारी सिटीज, बड़े बड़े शहरों में जाने का मौका मिला है, इवन मुंबई माया नगरी बोला जाता है, मतलब वो शहर ऐसा है कि सपनों की दुनिया है, एवरीबॉडी वुड डाई टू गो देयर। आपने वहां भी आपको पसंद नहीं आया रहना? ऑब्वियसली जो आपने बोला ना कि माया नगरी, तो माया यू नो कि वो माया के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, और उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी, और मैंने अभी झील की बात की थी, फतेह सागर झील। तो ये आपकी क्वेश्चन में ही ये जवाब है कि क्यों मुझे इस शहर से प्यार है, क्योंकि ये शहर झीलों के लिए जाना जाता है, और उस झील पर बैठना, मतलब मैं अपनी लाइफ से इतना रिलेट करती हूँ इस शहर को, कि अगर मेरी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स एंड 19-20 हर जगह चलता है, तो अगर कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो मेरा ऐसा होता है कि वहाँ बैठो और अपनी कॉफी इंजॉय करो, मेरी कॉफी स्ट्रांग मिल जाए, मुझे और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, और वहां बैठ के अपना सारा स्ट्रेस एंजाइटी वहां छोड़ कर पानी में, और फिर फ्रेश माइंड आप जाओ। तो मैं यहाँ आने से पहले भी मैं वहां जाके आई हूँ। ओके, दैट वाज ग्रेट, रियली रियली एंड सो काइंड ऑफ यू कि मतलब आपने सोचा कि आई शुड गो देयर फर्स्ट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर जर्नी, लाइक आपको सभी जानते हैं उदयपुर में, आपको एंकर बिटिया बोला जाता है इस शहर का, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई?
ये 2011 की बात है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ बीबीएम इन पैसिफिक कॉलेज, और वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे एफएम तड़का का कुछ ऑडिशन चल रहा था। टू बी वेरी फ्रैंक, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि एंकर क्या होता है, क्या मतलब होता है, और उस टाइम पे इतना ट्रेंड भी नहीं था। हल्का फुल्का संचालन, और घर में जो वेडिंग्स होती थी उसमें घर की मौसी और बुआ एंकरिंग करती थी, तो वो उस टाइम पे बहुत कम ट्रेंड था इस चीज़ का। बट वो कैसे एफएम का ऑडिशन हुआ और वहाँ पे कुछ मेरा सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे काफ़ी लोग मिले थे, उनसे मुझे धीरे धीरे सीखने को मिला, एंड देन पता चला कि यार ये भी कुछ फील्ड होता है, ये भी इसमें भी आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। देन धीरे 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 धीरे, वो कहते हैं हमारे मेवाड़ में कि लुढ़कता लुढ़कता महादेव बने हैं, तो वो बस वो लुढ़कते 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 महादेव बने और सीख रहे हैं अभी तक। एंड आई थिंक कि शायद लाइफ टाइम तक सीखना ही है, जब तक लास्ट सांस है तब तक सीखते रहना। ये मतलब एवरीडे इज अ लर्निंग, हर दिन आप सीखते हो, हर मोमेंट आप कुछ ना कुछ सीखते हो। सो इफ आई टॉक अबाउट योर सपोर्ट सिस्टम, जो हमारी फैमिली ही होती है, कितना सपोर्ट, कितना प्यार आपको मिलता है आपकी फैमिली से, सोसाइटी से, इस प्रोफेशन के लिए? सो जब मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले तो मैं आज अगर मैं 0.1 भी कुछ हूँ तो इसका पूरा मैं श्रेय देती हूँ अपने फादर को। बिकॉज जब मेरे फादर बहुत छोटी एज के थे, तब उनको माइक, स्पीकर, संचालन करना, सिंगिंग करना इतना शौक था उनको। मतलब मुझे आज भी वो किस्सा ध्यान है, मेरे फादर बताते कि जब मेरे फादर शायद 9 या 10 ईयर्स के थे, और गली में नीचे की तरफ एक मूंगफली वाला आया करता था थैला लेकर, उसके पास में एक रेडियो होता था, तो मेरे पापा उस म्यूजिक को सुनने के लिए उस लारी वाले के साथ में पूरे शहर का चक्कर किया करते थे। तब गाड़ी घोड़े कुछ नहीं होते थे, उस म्यूजिक सुनने के लिए उस लारी वाले के साथ में पूरे शहर का चक्कर करते थे। तो मुझे तो लगता है कि उन्हीं के, मेरे फादर साहब के अंदर से ही मेरे अंदर ये टैलेंट आया, उनको देख देख के शायद मैं सीखी हूँ। उस टाइम पे जब कॉलोनी में जो गरबा वगैरह होते थे, हम ओल्ड सिटी में रहते थे, सिटी पैलेस के जस्ट नीचे की तरफ हमारा घर था, तो गरबा में भी संचालन करना, मतलब माइक हैंडल करना मेरे पापा को इतना पसंद था, तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है वो चीज कहीं ना कहीं उनके अंदर से मेरे अंदर आई। इनहेरिट करी आप अपने फादर से, राइट? तो घर पे आपका कैसा एटमॉस्फेयर रहता है? मतलब एट टाइम्स होता है कि चलो एंकरिंग करते हैं बैठ के, दोनों के दोनों फादर एंड डॉटर मजे मजे में, ऐसा कुछ करते हो? बहुत समटाइम्स ऐसा होता है कि बीच में जब मैंने न्यूज चैनल पे, मैंने न्यूज एंकरिंग भी की थी, तो न्यूज एंकरिंग इज लाइक कि वहां पे आपको बहुत डिसेंसी एक जगह बैठ के बोलना होता है, एंड एंकरिंग इज लाइक कि आपको पूरे एनवायरमेंट को घेर के मस्ती मजाक की, वो तो दोनों बहुत अलग चीज है। बट जब मैंने न्यूज एंकरिंग चालू की थी तो मेरे बोलने का तरीका न्यूज एंकर जैसा होने लग गया था। तो बहुत बार ऐसा होता था किचन में कुछ खाना लेते हुए, कुछ करते हुए, मतलब वो बात करते करते भी न्यूज एंकर की तरह मम्मी से बात कर रही हूँ, मम्मी ने कुछ बोला तो बोल दिया है, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। तो घर वाले बोलते थे भाई एंकरिंग को साइड में रख, और कभी कभी ऐसा बोल भी देते, ओहो एंकर साहब यहाँ एंकरिंग स्टार्ट मत करो, ये हमारा घर है। तो वो क्या होता ना कि ठीक है, बट उनके लिए तो उनकी बेटी हूँ मैं, तो बाहर का थोड़ा अलग रहता है, घर का थोड़ा अलग रहता है। सोसाइटी का जहां तक आपने पूछा, तो ऐसा था कि उस टाइम पे मतलब मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट कर दिया, दैट्स इट। मतलब कहते हैं ना फादर एंड मदर इज योर वर्ल्ड, तो अगर मेरे संसार ने मुझे सपोर्ट कर दिया तो मुझे इसके अलावा किसी से कोई फर्क पड़ता नहीं है कि कोई सपोर्ट करे चाहे ना करे। फादर का सपोर्ट मिल जाए तो आई थिंक इससे बड़ा कोई सपोर्ट हो ही नहीं सकता। नहीं, बहुत, और बहुत जरूरी भी होता है ये, तभी वो कॉन्फिडेंस और वो खुशी काम करने के लिए, वो तभी अंदर से आपके आती भी। जब मैंने, जैसे कहते हैं ना कि आप जब कोई बीज बोते हैं या बच्चा जब छोटा होता है तो उसको सबसे ज्यादा टेक केयर की जरूरत पड़ती है, एंड जब आप कोई करियर स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। उस टाइम पे आपको बहुत हर्डल्स आते हैं। मुझे भी काफी लोगों ने, मेरे फादर को भी बोला था कि इस फील्ड में नहीं, मत जाने दो, ये मत करने दो, वो मत करने दो, बट मेरे फादर को पता था, उनको खुद को भी इस फील्ड का बहुत शौक था, तो उन्हें मुझे, उनको मुझ पर बहुत विश्वास है आज भी। और मैं बता रही हूँ, जो लोग बोलते थे शायद उनके घर की अपन बात भी नहीं कर सकते, बट आज मेरे फादर को मुझ पर बहुत ज्यादा प्राउड है। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। और देखिए ये एसेंस होता है जो फैमिली सिस्टम हमारी इंडिया में है कि हम हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनकी गाइडेंस में रहते हैं, दिस इज द रिजल्ट। दिस इज द रिजल्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट कमिंग ऑन द स्टेज और पहली बार माइक पकड़ना, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग जोन में होते हो आप। मतलब आजकल अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो राइट फ्रॉम बिगनिंग यू नो बहुत सारे हमको प्लेटफॉर्म मिलते रहते हैं, कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, तो अगर आपको याद हो कुछ ऐसा इंसिडेंट जब आपने पहली बार माइक पकड़ा था, क्या क्वेश्चंस
कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, क्या कैसा फील कर रहे थे आप उस टाइम? मैं आपको सच बात बताऊं, अगर दिल से मैं बताऊं तो आज भी जब मैं स्टेज पे जाती हूं तो ऐसा लगता है कि आज ये मेरा फर्स्ट शो ही है, क्योंकि हर शो के पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि कैसी फैमिली होगी, कैसा इन्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हर जगह अलग होता है, हर जगह ब्राइड एंड ग्रूम सेम नहीं होते, हर जगह फैमिली सेम नहीं होती, आपको उस माहौल में ढलना पड़ता है। तो मुझे तो आज भी, मैं बता रही हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, कि स्टेज से चढ़ने से पहले ऐसे मैं छूती हूँ स्टेज को कि भाई संभाल लेना ऊपर वाले, कि बढ़िया से शो हो जाए, सब लोग खुश हो जाए, सबको रेस्पेक्ट से बात करनी है। और यस, हाथ पे राज भी कांपते हैं बिफोर द शो। तो मेरे हिसाब से सारे शो मेरे फर्स्ट ही हैं, बट हाँ, जो मेरा फर्स्ट इवेंट था मेरी लाइफ का, ऐसे तो स्कूल टाइम से ही माइक पे थोड़ा बहुत बोलना और वो सब हो गया था स्टार्ट, बट जब प्रोफेशनली मैंने फर्स्ट होस्टिंग की थी वो मैंने कृष्ण जन्माष्टमी पर सेलिब्रेशन मॉल में फर्स्ट इवेंट किया था मेरी लाइफ का 2012 में, और काफी डरी थी अंदर से, मतलब बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डर लगा था, वाइब्रेशंस पूरी अंदर तक फील हुई थी मुझे, पर हाँ वो ठीक ठाक शो हो गया था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, बट संभाल लिया था। तो उसके बाद में मुझे लगा था कि हाँ मैं थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, मतलब ऐसा फिर धीरे 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 सीख गए। और वही ना जो आपने बोला बिगनिंग में, कि सीखते ही हैं, yes. हर दिन सीखते हैं, मतलब अभी भी मैं भी सीख ही रही हूँ, still I'm learning, I'm sitting with you, but हाँ मैं बहुत सीख रही हूँ बैठे बैठे आपके साथ। So like you said कि स्कूल ने आपको प्लेटफॉर्म दिया सबसे पहले, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल का सिग्निफिकेंस, स्कूल का रोल, इज इट जस्ट अबाउट लर्निंग, गिविंग एग्जाम्स, या उससे भी कुछ अलग है, उससे भी हटके है? स्कूल ने कितना सपोर्ट करा? बहुत, मैं बता रही हूँ ना कि अपना जो नींव है ना, ये स्कूल है। आप क्या सीख रहे हो? पढ़ाई सारे स्कूल में होती है, गवर्नमेंट स्कूल में भी होती है, प्राइवेट में भी होती है। जिन बच्चों के पास स्कूल नहीं है वो पेड़ों के नीचे भी पढ़ रहे हैं। आज गवर्नमेंट वहां पे एक टीचर अपॉइंट कर रहा है जहां स्कूल नहीं है, कुछ नहीं, वो पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं एक ब्लैक बोर्ड पे। तो पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, लेकिन आप दूसरी एक्टिविटीज उसमें आप कितना पारंगत हो पाते हो, ये आपका स्कूल तय करता है। तो मेरा स्कूल था आलोक संस्थान, जिसके नाम से ही आप देख सकते हो कि बिल्कुल वो हिंदू पारंपरिक, हिंदू कल्चर पे सारे त्योहारों को मनाना, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना। मैं मतलब थोड़ा सा लीक से हटके बात करूं तो आज अगर हमारे फील्ड में आजकल लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हो गए हैं, यहाँ पे अगर आप किसी को जी बोल देते हैं, भैया बोल देते हैं, दीदी बोल देते हो, तो लोगों को लगता है ओहो ये तो भाई अपने थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। बट आज जैसे किसी को धोख लगा दिया आपने बड़ों को, तो लोगों को लगता है अरे ये क्या, मतलब आजकल सोसाइटी ऐसी हो गई ना कि भूलते जा रहे हैं हमारे कल्चर को। बट अब जो टाइम आ गया है, मुझे ऐसा लगता है फिर से बैक टू पवेलियन वाली बात होगी, कि फिर से अब कल्चर रिलीजन वापस से आ गया, लोग फिर से समझ गए कि वास्तविकता क्या होती है और दिखावटी चीजें क्या होती है। तो वहां से जो सीखा, बड़ों को धोख लगाना, ये सब चीजें मैंने कभी छोड़ी नहीं। मतलब मैं एक किस्सा बताती हूँ, जब हमने 12th पास किया था और जितने भी कॉलेजेस में हमारे स्कूल के बच्चे गए थे, तो मेरे अगर स्कूल के डायरेक्टर सर देख रहे हो तो मतलब खुश हो जाएंगे वो, कि बढ़िया प्रमोशन कर रही है। बट ये बहुत सही बात बोल रही हूँ मैं, कि आलोक संस्थान से जितने भी बच्चे पास आउट हुए थे, जितने भी कॉलेजेस में गए थे, और सारे कॉलेजेस में मिस्टर एंड मिस फ्रेशर होता है, तो आप मानोगे नहीं, मतलब सारे कॉलेजेस में मिस्टर एंड मतलब मिस फ्रेशर जो बनी थी या मिस्टर फ्रेशर जो बने थे, वो आलोक से तो थे ही, उसी स्कूल के थे। तो ये बताता है ना कि आप स्कूल में, आपको कितनी, हमारे स्कूल में बहुत फंक्शंस होते थे। पहले ऐसे कहा जाता था आलोक स्कूल में इतने सारे फंक्शंस होते हैं, बच्चों को पढ़ाई में नहीं जाने, मतलब ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देने देते हैं, ऐसा कुछ। बट अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये चीजें कहाँ काम आती है, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है। एग्जैक्टली, ये जो आपने भी बात बोली ना, इसमें मुझे एक बहुत ही मेरा फेवरेट एक चाइनीज प्रोवर्ब है। तो उसमें क्या बोला गया है, इट्स लाइक कि इफ यू गिव फिश टू अ मैन, यस, यू फीड हिम फॉर अ डे, है ना, एक दिन आपने उसको दे दिया, उसने खा लिया, उसका एक दिन निकल गया। बट इफ यू टीच हिम हाउ टू फिश, यू टीच हिम फॉर लाइफ टाइम, यस, फिर आपको उसको बार बार खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो एग्जैक्टली सीख जाएगा। आप स्किल दो आप बच्चे को। आप ये मत सिखाओ कि यार एबीसीडी पढ़ ले, कॉस थीटा पढ़ ले, इट्स नथिंग अबाउट दैट, यू गिव द स्किल, फिर देखो आपका बच्चा चमकेगा। सही बात है, राइट? यस। सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट योर जर्नी, पूरी जर्नी की अगर हम बात करते हैं, तो प्रतीक्षा बिफोर बिकमिंग पॉपुलर एंड टूडेज प्रतीक्षा सच अ पॉपुलर फिगर, क्या कुछ चेंज हुआ आपकी लाइफ में? काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला है, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड और बहुत लकी मानती हूँ कि आज लोग मुझे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं।
कई बार होता है कि हम फेम थोड़े से फेमस हो जाने के बाद में हमारे अंदर थोड़ा सा अलग तरीके का नेचर हो जाता है. बट मेरा आज भी आप बोल रहे हैं बट मैं नहीं मानती कि मैं पॉपुलर हूँ. मैं ये सीरियसली बोल रही हूँ. मेरा ऐसा है कि बस मैंने लोगों को बहुत रेस्पेक्ट दिया है तो वो मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं. तो मेरा बस ऐसा है कि मैं जमीन से जुड़ के काम करती हूँ, सबको रेस्पेक्ट देती हूँ, छोटा है बड़ा है सबको अच्छे से बात करती हूँ. और फिर इन रिटर्न मैं उम्मीद तो नहीं करती हूँ बट हाँ लोग मेरी उम्मीद से परे मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं. जब पहले की बात करूँ तो काफी स्ट्रगल भी था, काफी चीजें थी. बट उसके बाद में जब आज ऐसा लगता है ना कि कहीं पे जाते हैं फैमिली के साथ में, कहीं जाते हैं रैंडमली किसी रेस्टोरेंट में, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग चले गए और हम लोग खाना वाना खा लिया, देन जब हम लोग जाने लगे तो वहाँ पे जो डेस्क पे मेन ओनर बैठे हैं वो बोलते हैं कि आप तो प्रतीक्षा जी है ना. तो फादर अंदर से मतलब मेरे सामने वो कभी तारीफ नहीं करते बट हाँ फिर जब मेरी एब्सेंस में लोगों को बोलते हैं अरे उन्हें तो सब पहचाने हैं, या तो जटे जावे उन्हें कहे अरे या तो ये तो प्रतीक्षा जी है ना, ये तो प्रतीक्षा जी. तो वो चीजें काफी अच्छी लगती है कि हाँ लोग जान रहे हैं पहचान रहे हैं. वो अच्छा लगता है. एग्जैक्टली. मतलब आपको पता है क्या लगता है कि ये जो अचीवमेंट्स है ना ये मेरी नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स की है. ये मेरे पेरेंट्स है ना, उन्होंने जो इतनी मेहनत करी मेरे पीछे, जो उन्होंने संस्कार मुझको दिए, इट्स देयर अचीवमेंट. वो वाली ज्यादा खुशी होती कि ये मेरे फादर के लिए या ये मेरी मदर के लिए, वो डबल कर देती है आपकी खुशी को. सबसे बड़ी बात ये कि मतलब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने भी उंगली उठाई होगी, दूसरों ने भी, जिनकी मेंटेलिटी जिनके घर का अपब्रिंगिंग जैसा है वो वैसी सोच रखेंगे. बट मेरे फादर ने कभी मेरे लिए ऐसी सोच नहीं रखी, ओपन माइंडेड हमेशा हमेशा उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया. उनको अगर 10 लोगों ने मना भी किया होगा तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं. उन्होंने सिर्फ मुझे ये बोला कि तू मेरा गुरूर है. उनकी एक ही लाइन होती थी, तू मेरा गुरूर है, इस गुरूर को कभी टूटने मत देना. और वो मैंने कभी टूटने नहीं दिया. राइट राइट. सो लाइक बीइंग एन एंकर, लाइक क्या क्वालिटीज आपको लगता है, सपोज कोई भी अगर आ जाए तो आपको क्या लगता है कि ये क्वालिटीज तो एक एंकर में होनी ही होनी चाहिए? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ऐसे प्रैक्टिकल जाके बात करो तो पर्सनालिटी का बोलोगे आप, कम्युनिकेशन का बोलोगे, सब कुछ हटा दो. सबसे पहला अगर आप एक अच्छे एंकर बनना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा दिल होना जरूरी है. अगर आपका दिल अच्छा है, आप स्टेज पर हो, आप सबको लिंक करोगे. आप फॉर एग्जांपल आप किसी वेडिंग में एंकरिंग कर रहे हो तो वहां पे जो ब्राइड एंड ग्रूम है उनके अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनको आप बहुत रेस्पेक्ट से डील करोगे. दादा दादी खुश तो पूरी फैमिली खुश. तो अगर आपका दिल अच्छा है तो आप दिल से जो चीजें बोलोगे वो सामने वाले को ठक करते की लगेगी. तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अच्छा दिल होना जरूरी है. उसके बाद सेकेंडरी कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी. कहते हैं ना आपकी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो आप मतलब सबसे पहले तो आपकी बोली ही सबसे मेन चीज होती है. उसके बाद में फिर लुक्स पे जाए, क्योंकि अगर अब लुक्स की बात आ गई है तो मैं भी आपको बताती हूँ कि एक शायद आप पूछेंगे कि आपको कब लाइफ में लगा था कि कब यार थोड़ा सा ऑब्वियसली आप पूछेंगे कि आपकी लाइफ में कब आपको लगा था कि यार बहुत पीछे जा रहे हैं, थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ होता ही है. तो लुक्स पे जब जाए तो मैं अपने आप को बहुत सिंपल कैरी करती हूँ इन द शोज ऑल्सो. मुझे बहुत रेयरली, मुझे मेरी इन 13-14 ईयर्स की जर्नी में मुझे 2 या 3 मेरे इवेंट्स है जिसमें मैंने शायद मैं रेडी हुई होंगी किसी मेकअप आर्टिस्ट से. इसके अलावा मैंने खुद ने अपने आप को बहुत सिंपल कैरी किया है, मेरी ड्रेसिंग बहुत सिंपल है. तो एक पॉइंट पे जाके मुझे लगा था कि यार अब जहाँ पे चकाचौंध की दुनिया है, ग्लैमर मतलब चमक धमक फुल, तो भाई प्रतीक्षा कहाँ फिट होगी इन चीजों में? प्रतीक्षा तो 4 फिट की कहाँ जाएगी? तो तब मुझे ऐसा थोड़ा लगा था. बट एक पॉइंट पे जाके मैंने अपने ट्रेडिशन को कैच किया. मुझे पगड़ी पहनना बहुत पसंद है, मुझे सिंपल कैरी होना, तो मैं वो राजस्थानी पगड़ी पहन के शोज करती हूँ. और अब मुझे लगा कि लोग यार ये तो बहुत पसंद कर रहे हैं. yes. तो वो चीजें मुझे ऐसा लुक्स की बात करें तो फिर लुक्स मैटर करते हैं. बट लुक्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं. स्किन शो. यस. आप ऐसा है कि आप एलिगेंट रह के, आप डिसेंट रह के भी अगर आप बहुत अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं तो पीपल विल लव यू. वही बात है ना, देखिए हर बात को बहुत जोर से या दिखाकर दिखाने की जरूरत नहीं है. आपकी बात में अगर दम है, आप में अगर दम है, पीपल विल लुक एट यू. या देखेंगे. हाँ, वो देखेंगे ही देखेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशन, जैसे आपने अभी बोला कि आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करती हैं स्टेज पे चढ़ने से पहले,
तो कोई बड़ा फनी सा ऑब्जर्वेशन आप कर रहा हो, मतलब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो और आप देखो कि कितना फनी चीज है ये। ऐसा कभी कुछ हुआ? बहुत बार मेरे शोज में भी होता है, जैसे मैं अगर जल्दी पहुंच गई तो शो के पहले क्या होता है कि जैसे जो रिलेटिव्स होते हैं वो आ जाते हैं, कजिन्स आ जाते हैं, मौसी आ जाती है। शादी में सबसे ज्यादा तो धूम मचाती है वो होती है मौसी। Yes. तो मेरे एक वेडिंग में ऐसे हुआ था, मौसी जल्दी आ गई और मौसी इधर फोटो उधर फोटो, इधर फोटो उधर फोटो, मैं उनको देख रही हूँ, उनकी बातें सुन रही हूँ, सब कुछ मैं उनको काफी टाइम से मैं उनको ऑब्जर्व ही कर रही थी। जब मेरा शो स्टार्ट हुआ तो शो के बीच में मैंने ना उनको, उन्होंने जो जो चीजें करी ना उन सारी चीजों पर मैंने उनको पंचेस दिए और वो शो इतना बढ़िया हुआ था ना, क्योंकि वो सबने बहुत इंजॉय किया था। मतलब मासी ने जो जो मेवाड़ी में एक एक चीज बोली थी कि ए मारो पल्लू टेढ़ा हो गयो, मारो पल्लू सही बेवा दे, बच्चे फोटो ले, तो वो सारी चीजें मैंने वहां पे, और लोगों को पता था मौसी तो ऐसी है। हाँ। तो वो चीज ये मैं अपने शोज में बहुत करती हूँ कि मैं लोगों को ऑब्जर्व करके वो करती हूँ। एंड एनीवेज वैसे भी मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, मैं कंजर्वेटिव हूँ, लेकिन जब मैं ऑन स्टेज हूँ तो मेरी एक अलग पर्सनालिटी है। मैं बहुत टॉकेटिव भी हूँ, बट वो दोनों चीजें बहुत अलग है कि ऑन स्टेज बहुत अलग है। समटाइम्स लाइफ में बहुत स्ट्रेस भी होता है तो हम स्टेज से नीचे उस स्ट्रेस को साइड में रख के और फिर स्टेज पर जाते हैं अपने आप को परफॉर्म करने, राइट, देन वापस आके उसे लेना भी पड़ता है। ये तो मेरी चीज है, स्ट्रेस को वापस लेके साथ में जाना भी पड़ता है। राइट राइट, एक मिक्स ब्लेंड आपको होना ही पड़ता है। हाँ ऑब्वियसली ब्लेंड होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप हर जगह रोते हुए या हर जगह हंसते हुए नहीं जाओगे, है ना। वो बहुत जरूरी है कि दैट यू चेंज विद द एटमॉस्फेयर विद द एनवायरनमेंट। एक ब्रह्मास्त्र होता है सबके पास, देवताओं से लेकर के मनुष्यों के पास, सबके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में एक ब्रह्मास्त्र कैरी करना बहुत जरूरी है। आपका कोई ब्रह्मास्त्र है जब आप स्टेज पे होते हैं? यस, मेवाड़ी, उदयपुर, राजस्थान, इसका जो कल्चर है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी भी हाई फाई फैमिली होगी, कितनी भी हाई फाई फैमिली, मारवाड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर आपने वहां पे मारवाड़ी लैंग्वेज बोल दी, मतलब वो आप पे फिदा हो जाएंगे कि यार ये तो अपनी है, ये तो अपने परिवार की है। तो ये मेरा ऐसा होता है कि अगर गुजराती फैमिली है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं उनको उस चीज से लिंक करूं कि यार कैसे गुजराती में पंचेज यूज कर सकती हूँ, कैसे क्या है। अगर कोई फैमिली है जहां पे कुछ फॉरेनर्स भी हैं या एनआरआईज हैं तो वहां पे कुछ इंग्लिश का टचअप देना, कुछ वो सारी चीजें, ये ब्रह्मास्त्र होता है। ओके राइट, तो जो भी अपने पॉपुलर वर्ड्स होते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के, जो भी सेंटेंसेस होते हैं, सो दैट यू यूज, वो आपके मतलब पंच में जाते हैं। जैसे आज मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं आपके जैसी हूँ, अभी आपकी डॉटर के साथ मुझे बिठाओगे मैं उसके जैसी, मैं उसके जैसी हो जाऊंगी। अभी आप मुझे किसी बहुत बड़ी एज के किसी के साथ बिठाओगे तो मैं उनके सामने उनके, मतलब जैसे मेरे दादाजी हैं दादी हैं तो मैं उनके साथ वैसे हो जाऊंगी। तो ये वो मेरी पर्सनालिटी एक्चुअली वो पानी वाली है, वाटर की तरह, मैं यही बोलने वाली थी। आपको इसीलिए झील बहुत पसंद है। या फिर आप कह दो आलू, मतलब जो सारी सब्जियों में मिक्स हो जाता है वो भी कह सकते हो आप। नहीं नहीं, वाटर बेटर है। ठीक है, बिकॉज ऑफ आलू तो बिल्कुल भी नहीं लगते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप पानी के साथ बहुत ज्यादा रिलेट होती है आपकी जो पर्सनालिटी है, मतलब डेंजरस भी और सिंपल भी। डेंजर लोगों के साथ तो वैसे ही डीलिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा शातिर बनेंगे तो यू हैव टू बी अ शातिर फॉर दैट। यस, वो बहुत ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब अब जमाना सीधापन का है नहीं। जो सीधे होते हैं उनको मतलब लोग काफी ऐसे साइड बाय साइड कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा तेज होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। नाउ व्हेन वी स्टार्ट, लाइक जब आप अपनी करियर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे 1 2 3 4, तो देखिए एट टाइम्स ये होता है ना कि कभी ऑडियंस सुनती नहीं है, स्पेशली व्हेन आई टेल यू अबाउट मैरिजेस एंड ऑल। ज्यादातर क्या होता है कि आउटफिट्स में आए होते हैं सबके सब अपने, मेहंदी का अलग, इसका अलग, उसका अलग, दे आर मोर बिजी इनटू गेटिंग देयर पिक्स क्लिक्ड। उनको ज्यादा लगता है कि हम चलो फोटो क्लिक करवा ले, ग्रुप की करवा ले, इंडिविजुअल करवा ले, ये करवा ले। कभी होता है कि वो सुनते नहीं है, वो एक इरिटेटिंग फैक्टर तो होता है। अब आप पूछेंगे कि आप उन्हें कैसे सुनाते हैं अपनी, मतलब यही पूछना चाह रहे हो ना। देखिए कुछ तो होते हैं जो बड़े इरिटेटिंग होते ही हैं, वो सारी जगह मिलेंगे आपको। अरे सॉरी टू से, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, बट यस, ऐसी ऑडियंस होती है कि वो ऑडियंस है लेकिन वो सुनती नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने मुझे बताया तो मैंने इसको पूरा इमेजिन कर लिया कि मेरा शो चल रहा है, मैं ऑन स्टेज हूँ और ब्राइड एंड ग्रूम बैठे हुए हैं, पूरी फैमिली बैठी हुई है और कुछ ग्रुप है जो अपने फोटो क्लिक कर रहा है और एंकर की सुन नहीं रहा है। तो मैं उनको कैसे सुनाऊंगी? मैं मतलब मेरा बिल्कुल ही बहुत रॉ रहता है, जो दिल में आता है तो मैं उनको डायरेक्टली बोल दूंगी कि
अरे बुआ सा ज्यादा फोटो मत ही खींचो नहीं तो सब डर वे जाए, मैंने ले लो महीने तो हाउ वे जाए, तो वो अपने आप से मतलब उनका ध्यान वो हो जाएगा वो मेरी तरफ आ जाएगा। हाँ, मतलब आप पॉइंट कर देते हो। हाँ, है ना, दैट इज द ट्रिक यू यूज कि अगर वो नहीं सुन रहा या वो नहीं सुन रही तो बोल दो। दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट व्हेन आई हैव द माइक इन माय हैंड। मैंने बोला ना जब आप दिल से काम करते हो ना तो एवरीबॉडी, क्योंकि सबके पास दिल है ना, तो दिल से दिल तो लिंक हो ही जाता है। राइट वेल सेड वेल सेड। लाइक ह्यूमन बीइंग्स वी आर सोशल बीइंग्स, सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के साथ रहते हैं, अकेले हम रह नहीं सकते। राइट, कुछ लोग होते हैं जो हमारे दिल दिमाग में ना अपना छाप छोड़ के जाते हैं, और वो छाप शायद नेगेटिव एस्पेक्ट की वजह से भी हो सकती है या पॉजिटिव भी। तो आप किस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं अपनी लाइफ में? क्योंकि हम अप्रिशिएट शायद दोनों कैटेगरी के लोगों को करते हैं, जो अच्छे होते हैं वो हमको बड़े संभाल के बड़े प्यार से रखते हैं, जो शायद थोड़े टेढ़े होते हैं वो शायद हमारी थोड़ी कमियां हमको बता देते हैं, विच वी वर्क अपॉन। तो आपकी लाइफ में ये फॉर्मूला कैसे कहाँ वर्क करता है? तो मैं, जैसा आपने बोला कि दोनों तरीके के लोगों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि दोनों तरीके के लोग आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। जो पॉजिटिव है वो तो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। जो नेगेटिव है मैं इन्हें ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जिनसे आपको किक मिलती है, जिनसे आपको लगता है कि अब मुझे दबा के काम करना है, भाई इसने ऐसा कर दिया अब तो मुझे 10 गुना ज्यादा मेहनत करके काम करना है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी लाइफ में नेगेटिव लोग आए हैं मैं तो उनको ऐसे करती हूँ सैल्यूट, मतलब थैंक यू सो मच लाइफ में इतना बढ़िया किक देने के लिए, शायद ये किक नहीं देते तो मैं वहीं की वहीं होती। तो राइट तो वाकई में ये एक कबीर दास का दोहा मुझे यहाँ पर याद आया, उन्होंने बोला है कि आप अपने निंदक को अपने पास ही रखो। हाँ, बिना साबुन के बिना पानी के धो देंगे वो आपको बढ़िया मस्त शाइन वाइट शाइन। दैट इज ट्रू कि दोनों ही लोग, दोनों ही कैटेगरी के लोग इम्पोर्टेंट इन लाइफ, दोनों ही चाहिए होते हैं हमको। बिग बॉस की अगर हम बात करते हैं जी, एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो, मोस्ट पॉपुलर की कैटेगरी में आता है इनफैक्ट, तो आपको बिग बॉस के घर के अंदर एंटर करते हुए देखा गया, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, क्या था वो? सो ये कलर्स टीवी से हम लोग एसोसिएटेड हैं एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इनकी एक टीम बनी हुई है और उस टीम में मैं लास्ट ईयर ऐड हुई थी, और ये मौका मुझे उन्हीं ने दिया था, कलर्स टीवी ने एज ए इन्फ्लुएंसर इन्होंने हमको उस घर के अंदर भेजा था, बिग बॉस जो बहुत बड़ा, जैसा कि आपने बताया बहुत बड़ा नाम है, और मैं काफ़ी सालों से ये शो देखती हूँ, और उस शो में उस घर में जाना, मतलब उस घर में एंटर होते हुए मैंने भी उस घर को ऐसे छुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा सपना था कि वो घर देखना है। सबसे बड़ी बात, मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो वो जगह देखना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो एज इन्फ्लुएंसर उस घर में पूरा घूमना, पूरा इतने टाइम तक उस घर में रहना, मेरे लिए तो भाई, मेरे को तो ऐसा लगा था हो गया भैया अपना तो मतलब सेट, मजा आ गया ऐसा था। तो ऑलमोस्ट कितने दिन के लिए आप रुके थे वहाँ पे? नहीं, हम लोग यहाँ पे कुछ आवर्स के लिए रुके थे, मतलब हम लोगों को वो लेकर गए थे डे टाइम पे, और हम लोग नाइट में वापस से बाहर आ गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे कंटेस्टेंट आने वाले थे। ओके नेक्स्ट डे उसका शूट स्टार्ट होने वाला था। ऑलराइट, तो जो उनकी जो टीम जो आपने बताई सोशल मीडिया स्क्वाड, हाँ यू आर अ पार्ट ऑफ इट, इजंट इट, उसके आप एक मेंबर हो, तो उनका एग्जैक्ट रोल होता क्या है? मतलब उन्होंने आपको इनवाइट करा ऑल वे फ्रॉम उदयपुर, यू वेंट टू मुंबई, तो आपको क्या रोल असाइन किया गया था, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था उसके पीछे? एक्चुअली इनका एक टीम बना हुआ है इन्फ्लुएंसर का, इन्होंने अलग अलग लोकेशन से लोगों को सेलेक्ट कर रखा है। स्टार्टिंग में फर्स्ट जो स्क्वाड था उसमें 20 थे, और सेकंड जो स्क्वाड था उसमें और 20-30 इन्फ्लुएंसर थे, मैं सेकंड वाले में थी। और उसके बाद इनके कोई भी शो आते हैं, कोई भी नया शो आया, जैसे अभी खतरों के खिलाड़ी आ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि हमको बोलते हैं कि दे इंसिस्ट अस कि आप इसको प्रमोट करो कि क्या शो है, उसके ऊपर आप कोई फनी रील भी, जैसे मेरा एक वो नियावटी बाई का एक कैरेक्टर है, जैसे मैं शोज में करती हूँ धुलियोबा का, वो पगड़ी पहन के, वो धुलियोबा वो मेल आउटफिट पहन के वो मस्ती करते हैं सब तरफ, तो वैसा ही मेरा एक वीडियो का कैरेक्टर है नियावटी बाई, तो वो मेवाड़ी में कहते हैं नियावटे करना, मतलब जो लेडी हमेशा नियावटे करती है, जैसे हमारी कहते हैं ना वो एक कैरेक्टर दे रखा है पड़ोसन वाला, कि पड़ोसन सब चीजों का ध्यान रखती है, अटे कई वेरो वटे कई वेरो वंडे कई वेरो वंडी छोरी कटे वंडो छोरो कटे, तो ये वो नियावटी भाई का कैरेक्टर है। तो उस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ से थोड़ा सा कि रीजनल लैंग्वेज और यहाँ के लोगों को टारगेट करने के हिसाब से उन्होंने मुझे उसमें सेलेक्ट किया था। देन उनके कोई भी शोज वगैरह होते तो उस पर आप फनी रील भी बना सकते हो, आप चाहो तो, इट डिपेंड्स कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है,
तो वो क्रिएटिव चीजें लेकर उनके शोज को प्रमोट करना होता है। कोई भी नया शो आया तो प्रमोशंस करने होते हैं। वहां के जो मुंबई के जो इन्फ्लुएंसर है उनको तो ये आए दिन वहां पे बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो वो उनके लिए तो काफी अच्छी चीजें हैं कि यार कलर्स के जितने भी नए लीड रोल में आते हैं, जो आने वाले अपकमिंग सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ में इनको रील बनानी होती है, इनके साथ में इनके सेट पे उनको ले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आज हम यहाँ बैठे तो शायद मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। तो वहां पे जाना ऑन सेट, कैसे सीरियल शूट हो रहा है, कैसे एक्टिंग हो रही है, कैसे कैमरा चल रहे हैं, ये सब चीजें सीखने वाला चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है वहां से, बिहाइंड द सीन्स yes. काफी कुछ है, बिल्कुल। तो आपका परसेप्शन चेंज हुआ क्या कुछ बिग बॉस को लेकर? बिकॉज जब हम देखते हैं ना बिग बॉस, तो ठीक है एक अलग ही परसेप्शन होता है, एक हम वो फैंटेसी वाली सी दुनिया, बिल्कुल अरे यार ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लुक एट द रूम, वॉशरूम्स देखो, इधर उधर जो भी चीजें आप देखो, आपका परसेप्शन कुछ चेंज हुआ वहां जाकर कि यार दिस इज समथिंग आई वाज थिंकिंग, लेकिन ये तो ऐसा है? नहीं, प्यार हो गया और उस सेट से, वहाँ की वाइब से, बिकॉज इतनी आज हम जैसे आज आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, बट ये शूट कैसे हुआ है, बिहाइंड द कैमरा कितने लोग हैं, कितनी एडिटिंग में टाइम लगेगा, वो जो शो है उसके पीछे आप सोचो कितने लोग हैं, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, इतने लोगों की मेहनत, इतने लोगों की मतलब क्रिएटिविटी, एक एक चीज की इतनी सुंदर नकाशी की गई है इंटीरियर्स में, वहां पर इतना मतलब चकाचौंध है उस घर में, इतनी लाइट्स हैं, आप अंदर एंटर होते से आपको लगता है कि आप जन्नत में हो, आप एक अलग ही दुनिया में हो। तो वो तो मुझे आज भी बिलीव नहीं होता कि मैं उस घर में जाके आई। मैं अभी भी जब वो टीवी में देखती हूँ, हाँ स्विमिंग पूल तो यही था, ऐसा तो नहीं था कि नकली घर में दे दिया, नहीं नहीं यही था, एग्जैक्टली यही था। तो वो आज भी बिलीव नहीं होता है। तो मैं ये तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि वो उस घर में जाना, उस घर में पूरा घूमना, हमने रील्स बनाई बहुत सारी वहां पर, बहुत स्ट्रिक्ट होते, तो वो फोन उन्होंने ही अपने दिए थे हमें, हमारे फोन बाहर थे सिक्योरिटी में, बट हम उनके फोन से हमने काफी सारे रील्स, बहुत सारा कंटेंट भी शूट किया था। तो मेरे लिए तो भाई मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छी फीलिंग थी, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये चीज। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इनडीड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, गेटिंग अ चांस कि आप उस स्पेशल फोर्स में थे, स्पेशल स्क्वाड में थे, एंड यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी देयर, मींस अ बिग थिंग। या सो लाइक यू टॉक्ड अबाउट सलमान खान, ही वुड हैव बीन डेफिनेटली क्रश ऑफ हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल, या राइट? तो कुछ चीजें अगर आप बता पाए, योर क्रेज फॉर सलमान खान, जैसे आपने बोला ना सलमान का नाम, तो मेरे दिमाग में मेरी कजन आई। हाँ, वो भी बिग फैन है, बहुत मतलब अच्छा फैन नहीं आप बोल दो कि द क्रेजीएस्ट वन। तो बचपन से उनका सपना था एंड दैट आई वुड गेट मैरिड टू सलमान खान, ठीक है बचपन से वो ये बोलती थी। और फिर उसके बाद जब वो बड़ी हुई, ठीक है उनकी शादी हो गई है, शी हैज अ बेबी आल्सो नाउ, एंड स्टिल शी सेज देखो सलमान ने इसलिए शादी नहीं करी क्योंकि वो मुझसे नहीं कर पाया, तो दिस इज हाउ यू नो शी यस टेक्स दैट प्राइड। तो आप बताओ कि आपका क्रेज फॉर सलमान किस लेवल का है? मैं ये बता देती हूँ आपको कि ऐसे शाहरुख भी मेरा बहुत फेवरेट है एंड सलमान इज ऑल्सो माई फेवरेट, क्योंकि मैं इन लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो डेफिनेटली बचपन का क्रश तो है ही है सलमान, क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी, मैं जब बहुत छोटी थी, शायद आई वॉज इन सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, उस मूवी में सलमान खान रेड कार में आते हैं। अब आप मेरा पागलपन देखना, मैंने मेरी जिंदगी की जो फर्स्ट कार ली थी वो रेड ली थी, उसके पीछे सलमान खान है। तो थैंक यू सो मच सलमान खान कि वो उन्हीं से इंस्पायर होके, और मैं तब से सेकंड थर्ड क्लास में बच्चा क्या समझता होगा, बट तब से मेरा ये था कि मैं अपने सबको, घर वालों को ये बोलती थी कि मेरे तो लाल गाड़ी वाला ही आएगा, आया नहीं अभी तक, लेकिन मैं ये बोलती थी कि मेरे लाल गाड़ी वाला ही आएगा। पर मुझे नहीं पता था कि बड़े होके मैं लाल गाड़ी खुद ही ले आऊंगी, कि मुझे कोई नहीं चाहिए भाई, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, लाल गाड़ी मैं खुद अफोर्ड कर लूंगी, तुम अच्छे इंसान निकल जाओ, ये सब चीजें मैं कर लूंगी। तो मैंने फर्स्ट जो अपनी लाइफ की मेहनत से जो मैंने अपनी कार ली थी, वो मैंने रेड कलर की बीट ली थी, और मैंने मतलब सर्च भी ऐसे ही किया था कि मुझे रेड कलर की कार चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए रेड कलर, चटकीला रेड। तो वो मैंने अपना फर्स्ट सपना वही पूरा किया था रेड। तो इसका इनडायरेक्टली वो क्रेडिट सलमान सर को जाता है 100%। ओके ओके, सलमान सर को काफी हिकअप्स आ रहे होंगे अभी। यस yes. बहुत बातें हो रही उनकी। बिल्कुल, अभी लास्ट ईयर मैं शाहरुख सर के बर्थडे में भी जाकर आई थी, तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा था कि यार मैं दोनों को बहुत पसंद करती हूँ। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है
क्योंकि ये दोनों जो एक्टर्स हैं वो उस पॉइंट पे जा चुके हैं ना अब कि ये लोग बहुत वास्तविक हो चुके हैं, बहुत वास्तविक. और अब जो आ रहे हैं ना एक्टर्स वगैरह, ये थोड़े से आजकल मूवीज में भी वो चीज नहीं मिलती है जो हमारे बचपन के टाइम पे जो मूवीज आया करती थी. तो इस वजह से ये शायद लास्ट जूनियर ऑफ एक्टर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है. हाँ एग्जैक्टली, वो इमोशंस कैरी करना. हाँ कि आप एक सीन को भी कितनी देर तक आप मतलब खींच के बिठा सकते हो आप ऑडियंस को. आजकल के एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात करें तो वो मतलब कि मुश्किल से आपको एक डेढ़ मिनट भी वो आपको नहीं खींच के रख सकते. और पहले के जो अपने एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते थे आप उनके इतने लंबे लंबे डायलॉग्स बिना हिले डुले ऐसे करके देख सकते. मैं आपको बता रही हूँ ना कि वास्तविकता की जो मैंने आपको बात की है, अभी लास्ट दो या तीन दिन पहले मेरी मदर एक बहुत पुरानी मूवी देख रही थी जिसकी शायद जो कैसेट्स थी वो भी काफी बीच में उसमें डिस्टर्बेंसेस थे. तो वो बहुत पुरानी मूवी थी. वो मूवी में आप सोचो आज जो हम मूवीज देखते हैं ना वो ऐसी HD 3D इतना कुछ होता है ना जो चीजें एग्जैक्टली होती नहीं. मतलब इंसान के पंख आ रहे हैं फेक. यस, वो उड़ रहा है. तो आजकल मूवीज में ये होता है, आजकल मूवीज में मार धार धाम धीम. तो बच्चे क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे. और उस टाइम पे मतलब आजकल ये बताते हैं कि भाई इसने उसको धोखा दे दिया, इसने उसको धोखा दे दिया, ये हो गया, मतलब वो सारी चीजें हो गई. उस मूवी में क्या दिखाया था, हमारे घर में एक बहुत बेसिक चीज है चिकन पॉक्स होना. उस मूवी में चिकन पॉक्स दिखाया, कैसे वाइफ को चिकन पॉक्स हो गए, कैसे हस्बैंड ने उसकी केयर करी, वो नीम के पत्ते तोड़कर लाया, उसने उसको वो करके चारों तरफ नीम के पत्ते रखे कि उसको कहीं वो इन्फेक्शन फेल ना जाए. फिर वो उसको उस तरीके से वो उसको मतलब उसको इचिंग हो रही है तो वो उस नीम के पत्तों से कर रहा है. ये चीजें देख के मतलब मेरा ऐसा हो गया था, मैंने कभी इतनी पुरानी पिक्चर देखी नहीं है. पर मेरे को ऐसा लगा यार पहले की मूवीज में क्या दिखाते थे भाई साहब. मतलब आपके घर में जो चीजें हो रही है, फिर उस घर में मतलब ऐसे लाइन खींच दी थी बाप और बेटे के बीच में, तो पार्टीशन एग्जैक्टली ये चीजें होती है ना आजकल. तो आजकल मतलब तो, पर ये आजकल लोग दिखाते नहीं है क्योंकि लोगों को पता है लोग तो रियलिटी देखना ही नहीं चाहते. जो रियलिटी है वो तो छुप चुकी है, वास्तविकता आजकल बहुत कम लोग पसंद करते हैं. एग्जैक्टली, आजकल हर कोई चाहता है प्रॉफिट गेन. यस, बाय हुक और बाय क्रुक. और देखिए गलत भी नहीं है, ठीक है प्रॉफिट होना गेन होना हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में. कम ऑन, कितनी ऑनेस्टी से चाहता है वो. जितने ऑनेस्ट होंगे उतना ज्यादा टिकेगा वो. नहीं, भगवान भी आंसर नहीं कर सकता है कि मेहनत से कौन कितना कमा रहा है. है ना, भगवान भी मतलब कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि कैसे पता करवाऊं. आपको कभी लगा है कि दैट यू आर चीटेड? यस, दुखती नस पे बोले आप कि चीटेड इन द सेंस इन रिलेशंस, इट कुड बी एनीथिंग. सबसे ज्यादा जो मुझे धोखे मिले हैं वो मिले हैं दोस्ती में. मतलब मैं आज ऐसा है कि आपने बोला था अभी कि सीढ़ी 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 दर आप चढ़ते रहते हैं. तो जब आप किसी भी फील्ड में जब आप एंटर करते हैं, जब आप वन बाय वन सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपसे लोग छूटते जाते हैं. क्योंकि हर कोई आपके साथ नहीं चलेगा ना. कि आप अगर सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आपको अकेले चढ़ना पड़ेगा. आप ये सोचो कि अरे यार मैं क्या करूं, मैं आगे बढ़ गया, मेरे दोस्त पीछे रह गए. आप जब जब चढ़ोगे आपके दोस्त आपसे छूटते जाएंगे. मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि जब आप खुद अपना कुछ काम कर रहे हैं तो आपसे लोग जुड़ते हैं उनके फायदे के लिए. तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है. मैं मुझे मतलब मुझे शर्म आती कहते हुए कि मुझे फीमेल दोस्तों ने चीट किया है. मतलब मुझे सबसे ज्यादा धोखे लड़कियों ने दिए हैं, लड़की होते हुए भी. तो मेरे को आजकल थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू तो बहुत ज्यादा होता ही है. तो मैं अकेले बैठना पसंद करती हूँ. मतलब मेरे पास कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं है और मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है आई एम डूइंग माई बेस्ट. मैं अपना हर दिन मैं बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. मैं आज हूँ, मैं कल अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी. तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है. ओके, दैट्स लवली, दैट्स लवली. सो नाउ आई जस्ट वांट टू गिव योर सिचुएशन, है ना, पर्सोना, मास्क को बोला जाता है. तो अगर कभी ऐसा होता है कि लाइक वी आर इन मेवाड़, तो मेवाड़ की रानी श्री कृष्ण की दीवानी मीराबाई, हम सब उनको जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर भक्ति सीन थे वो. तो अगर कभी ऐसा होता है कि उनकी जिंदगी आपको जीने को मिले, फ्लिप करें हम रोल्स आपके, तो आप कौन सा वो पल जीना चाहोगे या कुछ में भी आप एडिट करने का सोचो. ऐसा अगर आपको दिया जाए सिचुएशन, क्या करोगे? तो जहाँ तक आपने मीरा भाई की बात की है, तो आजकल के ज़माने में मैंने जैसा कि बताया कि लोग रियल नहीं हैं, लोग इमोशंस के साथ खेल जाते हैं. और मीरा भाई वो महिला थी, वो योद्धा थी जो श्री कृष्ण के लिए मतलब उन्होंने पूरी अपनी लाइफ न्योछावर कर दी.
तो मैं अगर उनका अगर रोल प्ले करूंगी तो मैं अगर किसी के लिए मेरे अंदर इमोशन होंगे या किसी से मैं प्यार करूंगी तो मैं मीराबाई वाला ही करूंगी। तो मैं वो वाला रोल जो है वो डायरेक्टली अटैच करूंगी, क्योंकि मैं ऐसा लगता है कि मैं आज भी 90s वाली उसमें हूँ कि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अपने फायदे के लिए मैं किसी के भी साथ बात कर लूं या किसी के भी साथ घूम लूं या ऐसा। तो मेरा ऐसा है कि जो हो सच्चा हो, नहीं तो ना हो। तो ये मेरी एक वो है कि ठीक है, मुझे मैं अकेले रहना पसंद है मुझे, लेकिन मुझे फेकनेस नहीं चाहिए लाइफ में। ओके, दैट्स सो लवली। ठीक है, मतलब लव इज अ वेरी प्योर इमोशन, नो? सो लाइक इफ आई टॉक अबाउट दैट बीइंग अ गर्ल, यू हैव चोजन दिस करियर सोशल मीडिया की जिंदगी में वो जीना, क्या क्या स्टीरियोटाइप, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो? कोई पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप अगर आपने सुना हो लोगों से कि यार क्या कंटिन्यूसली ये सेंटेंस, अब तो नहीं बोलते होंगे फॉर श्योर क्योंकि उनको समझ में आ गया होगा ये सुनेगी नहीं, राइट? लेकिन जब उनको लगता था कि हाँ हम इसको डोमिनेट कर सकते हैं, हम इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरह से लोगों ने दबाने की कोशिश करी आप? बहुत सारे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक वो बना हुआ है पहले के टाइम का कि स्त्री मतलब घर में काम करेगी, घर में रहेगी, शादी करके लेके आएंगे, झाड़ू पोछा चूल्हा चौका, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इससे ज्यादा अगर जब आप निकल के काम करते हो तो ये लोगों से डाइजेस्ट नहीं होता। मेल ईगो सबसे ज्यादा इस चीज में टकराता है। तो हाँ, मुझे जो सबसे ज्यादा चीज फेस करने को मिलती है, मतलब लास्ट मेरी भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो उसकी फैमिली ऐसा बोलती है कि नहीं नहीं ये तो या तो लेट आवे है, ये तो इवेंट कर रही है और आपने घर में सेट नहीं वेगा क्योंकि आपने तो चावे झाड़ू पोछा बर्तन माजवा वाली। तो ये चीजें बहुत सेट, मतलब उनको ये नहीं पता है ना कि वो उनकी मेंटेलिटी अपब्रिंगिंग घर की बहुत मैटर करती है। तो उनको ये कि नहीं नहीं ये तो अपने नहीं सेट होगी, पर आप जो देख दुखा के समाज की लेकर आओगे वो भी सेट नहीं होगी और वो हुई भी नहीं है। तो ये भी चीजें बहुत बहुत हुई है कि आप मतलब ज्यादा आप शाणे बनते हो ना वहां, फिर आपको आगे भी महाशाणा मिलता है। नहीं, आपको टाइम जवाब देता है। हाँ, तो फीमेल ऐसा है कि कुछ भी करे, कुछ भी काम करे, बट अच्छा काम कर रही है भाई, अपना करियर बना रही है, तो आप उसको पीछे मत खींचो। लेग पुलिंग, मतलब मेरे दादाजी उस टाइम पे, मैं छोटी थी, हमें एक चीज सिखाते थे कि हमारी ये जो सोसाइटी है ना, ये एक टोपला है। मेवाड़ी में बताते कि यू एक टोपलो है और अंडे महीने खूब सारा केकड़ा भरिया थका है, केकड़े मतलब ये लोग, तो एक भी केकड़ो अगर बाने निकलवा रही कोशिश करेगा तो दूसरों केकड़ो वंडो पैर पकड़ी ने कहेगा अटकटे जे दो महीने, मतलब एक एक इंसान दूसरे को कभी बाहर निकल के कुछ आगे कुछ अच्छा अचीव नहीं करने देगा, और कोई अचीव करने जाएगा तो पैर पकड़ के कटे जाइ रो अटिया। तो ये वाली चीज बहुत है, खींचने वाले बहुत हैं पीछे। हाँ, बहुत है, बहुत दुनिया में भर भर कर। चलिए, सो दैट वाज सो नाइस, वंडरफुल टू हियर फ्रॉम यू। अब एक हमारा लास्ट राउंड रहता है, आंसर फटाफट, राइट? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, बिल्कुल फटाफट फटाफट से आपको बुमरांग की तरह मुझे आंसर बैक जी। तो अगर आप रेडी हैं, विल स्टार्ट। या एक हिडन टैलेंट जो कोई नहीं जानता आपके बारे में? कार्टून कैरेक्टर्स की आवाजें निकालना। और आई वुड लव टू हियर इट, आज तो आप उसको डिस्प्ले कर दो फिर प्लीज। अच्छा, मैं बताती हूँ, मतलब मेरा एक बहुत मतलब बहुत फेवरेट कैरेक्टर है शिनचैन, तो मैं उसकी आवाज निकालती हूँ। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं मैं कैमरे पे निकाल पाऊँ, बट हाँ मैं निकालती हूँ। तो वो घर में कभी कभार ऐसा वैसा है, तो आप सुनोगे? ऑफ कोर्स, मतलब टिकोगे? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ओके। तो शिनचैन की मैं वॉइस निकालती हूँ। योशिना कमीन, आज तो बहुत अच्छी लग रही है, आज तो संडे है, आज तो मैं घर पे आराम करूंगा। This is also on reel now. Yes. Okay. एक चेंज जो आप उदयपुर में लाना चाहो? Mentality. Nice. Dinner किसके साथ करोगे आप? With your favorite celebrity या opportunity? Celebrity. Okay. Celebrity ले लेते हैं। सलमान सर। I knew it. इतना मैं जान गई मैं आपको। कोई बहुत ही funny BTS behind the scene नो? कभी कुछ बहुत funny हुआ हो कि बस आप हंसते ही रह गए? हंसते नहीं रह गए, बहुत बुरे फंसते रह गए। मतलब क्या होता है ना कि जब हम हील्स पहनते हैं, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी एक हील टूट गई थी और मेरा शो था बाहर, और मेरे पास एक ही हील थी, मैंने एक टूटी हुई हील में, मतलब एक फ्लैट और एक हील उसमें शो किया पूरा। ये मेरे लिए सबसे फनी था कि मैं मतलब टेढ़ी, शायद मैं टेढ़ी खड़ी होंगी, बट मैंने शो किया पूरा उसमें। मतलब वो राम शो पे कभी कभी हो जाता है ना, कभी बस वो न्यूज में आता है या न्यूज पेपर में पढ़ लेते हैं,
बट लाइव एग्जांपल तो मैंने आज देख लिया। बट वो ऐसा था ना कि वो गेयर वाली ड्रेस थी तो उसमें दिखा तो नहीं, बट वो हाँ अगर किसी ने नोट किया, वो बैलेंसिंग में तो प्रॉब्लम आता ही है कि एक पैर तो आपका फ्लैट है और एक पैर आपका वो, मतलब आप घोड़े वाली चाल चल रहे हो, वो वाली चीज थी। Right. So that's why your Crocs are the best. Yeah. Isn't it? And I love this. हाँ, this suit you. Yes. Hashtag लगा हुआ है, मतलब वो मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले। बहुत comfortable है। आप believe नहीं करोगे, इसको पहन के मैंने बहुत सारे shows किए। क्योंकि वो गेयर वाली जो ड्रेसेस होती है उसमें आप अंदर क्या पहन रहे हो पता नहीं, तो मैंने क्रॉक्स पहन के बहुत सारे शोज किए। आपका फेवरेट सॉन्ग? मैं रहूं या ना रहूं तू मुझ में कहीं बाकी रहना। ओके राइट। सो नाउ आई जस्ट वांट कि आपका जो देसी एक तड़का है दैट इज द स्पाइस, मिर्ची मसाला होता है ना, वो आपका उस देसी तड़के में आता है। दो लाइंस हमारे ऑडियंस के लिए। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में कभी भी डाबा चूक नहीं वेणो, जो दिल के वे वो करनो, जो दिल में आवे वो करनो, कभी भी जिंदगी में डाबा चूक मती बीजो, हाउ रीजो, मस्त रीजो, खुश रीजो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो प्रतीक्षा जी, इट वॉज सो नाइस मीटिंग यू। मतलब बोलते ना, एक वाइब्स मैच करना और एक होता है कि एनर्जी भर जाना, कि मतलब कोई मुझे बोले ना डांस फ्लोर पे भी मैं रात के 12 बजे तक मैं डांस कर सकती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी एनर्जाइज्ड हो गई मैं। एंड सो मेनी थिंग्स आई हैव लर्नड, एक चीज जो मैंने आपसे सीखी, खम्बा कड़ी, कड़ी खम्बा सा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, और ये आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। So this is what we have learned today after coming to the city of Lakes Udaipur. Serenity, simplicity, honesty, emotions, being practical. ये कुछ ऐसे essence थे जो I could feel today being here. So thank you everyone for watching us, and as I always say, do like, share and subscribe. और आपके comments जो बहुत अहमियत रखते हैं हमारी life में सीखने के लिए और आगे grow करने के लिए. So please do comment us. Thank you for watching us. Stay tuned.